तुम्हारी रियलिटी बारे बात करें, भोंसड़ी के एक बार सर उठा और खोपड़ी घुमा के देख तेरे कमरा कितना बड़ा है। एक पेन पेपर ले और सिंपल लिख के दिखा तेरी जिंदगी में तेरे जो कमरे में जहां बैठा कितनी लग्जरीज हैं, काउंट कर। मैं नेसेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लग्जरी की बात कर रहा हूं। लग्जरी वो आइटम है जो बाँचो तेरे को जरूरत नहीं है जिसकी, या फिर अगर जरूरत है भी तो उसमें सबसे ऊबर क्वालिटी है तेरे पास। अपने कमरे के बाहर, खिड़की के बाहर अगर खिड़की है तो, या फिर घर के बाहर जरा झांक के देख भोसड़ी कौन सी तेरी प्राइम लोकेशन में रह रहा है तू दुनिया की, जिस भी जगह पे है भोसड़ी के एक बार स्क्वायर मीटर देख, अपने अपार्टमेंट का, अपने फ्लैट का रेंट देख, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख, अपने माता पिता की स्थिति देख, कौन से अच्छे मकान में रह रहे हैं भाई, वो कितनी सेफ्टी प्रोवाइड कर रखी है तूने भाई, उनको कितना कुछ दे रखा है। मुझे एक बात जेन्युइन बता, तुम में से कितने सारे लोग होंगे जिनके घर में जो नल का पानी आ रहा होगा ना वो नहीं पी सकते? तुम में से कितने लोग हैं जो भोसड़ी का खिड़की खोल लो बाहर, अगर जो AI सिंपल एयर इंडेक्स क्वालिटी का चेक कर लो तुम्हारे शहर की, तो ऐसी है माचो, तुम लिटरली धुआं भोसड़ी के ब्रीथ कर रहे हो अपने अंदर। तुम लोग को एक चीज समझना है जिंदगी में, तुम सबकी जिंदगी में इनफ चुदापे हैं जो जिंदगी से कनेक्टेड हैं, जिनको तुम फाइट कर रहे हो। ऑलरेडी तुम फाइट कर रहे हो सकता है तुम कंप्लीटली हारोगे, क्योंकि जहां तक तुम्हारी प्रायोरिटीज कंसर्न है, जहां तक तुम्हारी मोटिवेशन कंसर्न है, जहां तक तुम कितने गोल ओरिएंटेड हो वो दिख रहा है लौड़े से। जो भी इंसान जिसको पता है मेरे सामने मेरे को ये चीज है, मुझे इसको निकलना ही निकलना है, चाहे वो गरीबी हो, हंगर हो, पैसे की लालसा हो, घर वालों की स्थिति बेहतर करनी हो, अपनी स्थिति बेहतर करनी हो, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो, इंटेलेक्चुअल कल्टिवेशन हो, कोई भी मोटिवेशन हो सकती है चीज, मुझे बस किसी चीज में बहुत भयंकर होना है, वो नहीं पड़ेगा इन चुदापों में। वो कहेगा ये मेरी जो भी चीज जिसके प्रति मैं फोकस्ड हूं उसकी गांड मार रहा है। सो क्लियरली ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नहीं तो ये जो चीज है मेरा मेन पथ है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम लोगों में से सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये आती है, यानी कि नॉट दैट मेरे को लड़की प्रॉब्लम है या लड़का प्रॉब्लम है, ना कि मेरे को कोई प्यार की प्रॉब्लम है या एक्स की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बहनचोद मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं जो इतनी बड़ी चीज है जिसको लेके मुझे डर हो और मैं पैशनेटली फील करता हूं सिक्योर करना, उसको उसको बचाना, उसको बड़ा करना। तुम्हारी जिंदगी में कोई एवरेस्ट है ही नहीं। तुम कहते हो थियोरेटिकली देर इज समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन, लेट्स बी वेरी वेरी रियल। नीचे जितने लोग भी हैं भोसड़ी अटैक मोड यूज करें, न्यूक्लियर मोड यूज करें, जो अपने टास्क लिखते हैं नीचे, तुम लोग को मिलेंगे हर कमेंट बॉक्स में या कहीं भी चले जाओ माचो किसी भी वीडियो में, लोग दिख रहे हैं कि मैंने 5 घंटा काम किया, 6 घंटा काम किया, इतने टास्क छोड़े। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक तरह तो ये पॉपुलेशन हो गई, इनको ये सब नहीं तो चीजें हिला पाएंगे, और हिलाएंगे भी तो ज्यादा ज्यादा 3 महीने 4 महीने में लोग भोसड़ी वाले रेगुलेट मार के अपने आपको निकल जाएंगे उनसे। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो बातें चोते रहते हैं भाई कि ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं अपने गोल से फोकस नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारा गोल पे फोकस है ही नहीं भोसड़े वाले। तुम्हारे लिए ये जो लड़की है, जो लड़का है, ये आज प्रेजेंट के अंदर इतनी बड़ी चीज है कि तुम कुछ भी तबाह करने को तैयार हो इस इंसान से। किसी भी तरह का तुम्हें रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए, तुम्हें बस चुदे रहना है, तुम्हें ऑल यू वॉन्ट इज एक्टिव एंगेजमेंट, कॉल आता रहे, रोज सेम लड़ाइयां हो, तुम्हें लड़ फर्क नहीं पड़ता। ये है तुम्हारी स्थिति, वो कीचड़ है, दलदल है, कुछ भी कह लो, इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट स्पेस। तुम जानते हो क्योंकि तुम उसमें एंगेज करते हो, तुम्हें एंग्जायटी मिलती है, दिमाग खराब होता है, रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा स्लीपिंग शेड्यूल की मार चुकी हुई है, 2 या 3 4 बजे उठ रहे हो, तुम साले हो सकता है मुठ मारते रहते हो, घिनाती तुम्हें अपने अंदर, तुम्हारा काम पीछे छूटा हुआ है, खाना वाना तुम नहीं खा रहे हो सकता है, तुम्हारे घर वालों को तुम झूठ बोलते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये चल रहा है लाइफ में, वो चल रहा है, क्योंकि तुमको बता नहीं सकते कि रियलिटी में किन चुदापों में तुम फंसे हुए हो। ये है तुम्हारी जिंदगी ऑन अ डेली बेसिस, तो तुम कोई सोल्यूशन बेस्ड नहीं हो। तुम चाहे बकचोदी कर लो अपने आप से, मुझे इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, नहीं है चाहिए तुमको कोई सोल्यूशन ब्रो, तुमको बस एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए उसके अंदर। या फिर सिंपल सी बात कहो कि भोसड़ी के मैं एक इंसान हूं जो आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, मैं आपको खूबसूरत बनना चाहता है, विशाल बनना चाहता है, विराट बनना चाहता है, खतरनाक बनना चाहता है, किलर बनना चाहता है, योद्धा बनना चाहता है, कुछ भी किसी भी लेवल का अपग्रेडेशन चाहिए मुझको मेरी बींग में, ऑफ एनी काइंड, स्पिरिचुअल काइंड, मटीरियल काइंड, हर तरफ से मेरे भाई, क्यों नहीं, इंटेलेक्चुअली, आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली, हर तरफ से, टेक्निकली, स्किल वाइज, 6-7 डोमेन हो गए, सब में कुछ ना कुछ कोच कोच करके मैं खाता रहूंगा, खाता रहूंगा, खाता रहूंगा, हंगरी रहूंगा, मैं आपको बड़ा करूंगा, खूबसूरत बनाऊंगा, आर्टिकुलेशन पे काम करूंगा, कम्युनिकेशन पे काम करूंगा, और ऑब्वियसली सक्सेस भी मेरे को मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, यानी कि मेरे मुकाम बदलते चले जाएंगे, मेरी लोकेशन बदलती चली जाएंगी, मेरी डेजिग्नेशन बदलती चली जाएंगी, मेरी नेटवर्क बदलती चली जाएगी, मेरे दिमाग की औकात बदलती चली जाएगी। ये एक तरफ जिंदगी जो इंसान अपने पे काम कर रहा है, लेकिन अपने पे किस तरह से, कि जीने के पर्सपेक्टिव से, मैं जीना चाहता हूं खुल के पूरी तरह से, तो जीते कैसे हैं, वो एक युद्ध है भोसड़ी के। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सोचने की, हम जहां बात करते हैं लोग जीने की, खुल के जीने की, हमें लगता है हम प्लेजर में चुत जाएंगे, घूमने जाओ मादरचोद, घूमेंगे हम जी रहे हैं, घुइया मादरचोद, घुइया लौड़ा तुम जी रहे हो भोसड़ी के, तुम कर रहे हो मजाक अपने साथ। असली इंसान जो जी रहा है वो गंभीरता से देखता है अपने होने को, अपने एग्जिस्टेंस को, फिर अपने एग्जिस्टेंस के अंदर वो उत्तर पाने की चेष्टा करता है, उस पथ पे चलता है, उसको कुछ उत्तर चाहिए, और उन उत्तरों में से एक जगह है कि मैं कभी ना कभी कुछ चीजों से सुकून से इस पृथ्वी को देखना चाहता हूं, वो हुआ एक उत्तर का डायरेक्शन,
वो हुआ घूमना, ये नहीं कि हमें स्विट्जरलैंड जाना है और शनेल और प्राडा के शॉप्स को बाहर से ऐसे देखना है मुंह सड़ा के कि हमारी खुद की कभी जिंदगी में औकात नहीं होगी खरीदने की, लेकिन हाँ देखना है रोड पे ऐसे खड़े हो गए। हाँ, बहुत तुम्हें मीनिंग मिल गया उससे, बहुत मैंने डिराइव किया, आई हैव डिराइव्ड इमेंस स्पिरिचुअल मीनिंग फ्रॉम दिस पप्पू लाल भोंसड़ी के। आदमी इतना चूतिया लेवल पे कंफ्यूज्ड बीइंग है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इतनी तुम्हें एक फ्लोर दे रहा हूं जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में लोग डिफरेंट चुतापों में फंसे हुए हैं। तुम्हारा चुताप है कि तुम एक्टिव एंगेजमेंट में चुते हो एक इंसान से, क्योंकि तुम्हारी लॉन्ग टर्म में मायने भी नहीं रखेगा जिंदगी में, तुम्हें फर्क भी नहीं पता चलेगा। तुम जब 40 साल के होगे तुम्हें लगता है लुकिंग बैक तुम कहोगे वो इंसान हो, वो इंसान लौड़ा खत्म हो चुका होगा पूरी मेमोरी। तुम लेकिन ये याद रखोगे तुम्हारे को एक अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर कर रहे थे जिसकी तुमने गाड़ मार ली, और ये सेम चीज तुम बड़े कॉन्फिडेंस से नीचे लोगों को दे रहे हो कि इन सब चुतावों में मत पड़ो। या फिर एक सिंपल चीज करो, मैं को सेंट्रल रखो और दूसरा एक सिंपल बेसलाइन ड्रॉ करो कि यार ये लिमिटेशंस हैं चीजों की, जहां पे मेरा जब स्ट्रेस लेवल टच करता है इस बेसलाइन पे, जब मेरा स्ट्रेस लेवल टच करता है और अगर मेरे पास ऑटोनॉमी है उस स्ट्रेस को काट देने की तो मैं काट दूंगा। यानी कि अब इसको दो एग्जांपल्स में देखते हैं। एक इंसान जो इसके घर में है, जिसके घर में एक्चुअली बहुत भयंकर लेवल में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी के पास ऑटोनॉमी नहीं है उस स्ट्रेस को काट देने की, वो स्ट्रेस के साथ उसको जीना पड़ेगा। तो यहां पे सोल्यूशन आता है स्ट्रेस रिडक्शन। मेरे को स्ट्रेस रिडक्शन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि मेरे को हो सकता है वर्कआउट करना पड़े, मुझे मेडिटेशन करना पड़े, मुझे हो सकता है अश्वगंधा लेना पड़े सप्लीमेंट्स में भी, क्योंकि वो कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल करता है या स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। मैं समझ गया ना तुम्हें, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज मेडिटेशन गुड स्लीप, अगर ये चार पांच चीजें मेरी लाइफ में होती हैं तो मैं स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाला। दूसरा सिचुएशन आती है जहां पे आप इस चुताप में पड़े हो, जहां पे भैया नीट की पढ़ाई करनी है, बोल तो रखा अपने आपसे गोल है लेकिन घुइयां छील रहे, क्योंकि असली गोल है इस चूतिया से हमारी कुछ बात हो जाए यार, कुछ चूतिया से कहीं कुछ आगे बात बढ़ जाए। वो चूतिया कहता ही भेड़िया, मादर चूत। भेड़िया किस सेंस में, समझना, दुनिया में दो तरह का होता है, यूनिवर्सल हो गया और एक हो गया प्रॉक्सिमल। यूनिवर्सल सेंस में हो सकता है वो दुनिया का सबसे अच्छा नेक इंसान हो, सबकी भलाई करता हो, सब कुछ करता हो। प्रॉक्सिमल तेरे इंडिविजुअल लेवल पे तो तेरे नहीं कर रहा ना, वो क्या कर रहा है तेरे साथ, उसको रिलेशनशिप भी नहीं रहना, लेकिन सारी रिलेशनशिप की जितनी भी क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो ले ले रहा है। रोमांटिक बातें भी करनी है उसको, घोंचू की तरह बोल रहे हैं तुमसे चिपके भी रहना है। तो भाई वो इंसान क्या, भाई मेरे को तो डेट तो नहीं मारना है इसको, लेकिन मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे को एक यूटिलिटी की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भाड़ में गया तेरा गोल, उसको झांट फरनी पड़ता कि तुमको नीट फोड़ना है, तेरे को कोई भी चीज की तू पढ़ाई कर रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जब चाहिए होगा तेरे से फोन पे, तुझे अवेलेबिलिटी चाहिए तू अवेलेबल है बैठ के, जब तेरे को टेक्स्ट चाहिए तो वो टेक्स्ट अवेलेबल है, जब उसको रोमांटिक बातें चाहिए रोमांटिक बातें, आई डोंट नो तुम सेक्सुअल बातें करोगे ना, और बाद उसको रात में उसको जब खड़ा होता होगा हो सकता है तब भी तुमसे गंदी बातें भी करता हो, तुम उसमें भी अवेलेबल हो कि नहीं हो। और यहीं पे मैं लड़कों से बातें चोदने वाला हूं, हो सकता है तुम लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहां पे एक इंसान को जो चाहिए एग्जैक्टली सेल्फिशली तुम उसको वो प्रदान कर रहे हो, और उसको जब वो दे देते हो वो निकल लेता है, फिर उसको जब जाना होता है, जब भी आना होता है तुम्हारे, चाहे कोई काम चल रहा हो, कुछ तुम्हारा इंपॉर्टेंस हो, तुम्हारा कोई स्केड्यूल हो, सब कुछ हो, तुम्हारे सबको उनको लाड़ फर्क नहीं पड़ता, चकनाचूर कर देते हैं भोसड़ी के वो सब चीजों को, और तुम भोसड़ी के चूते तक खड़ो के अवेलेबल होते हो पता नहीं किस होप में। सुन पाओ तो सुन लो, काट दो उसको एक सेकंड में। तुम्हारी लाइफ में इनफ बुलशिट ऑलरेडी है, इनफ बुलशिट ऑलरेडी चल रही है। देखो भाई फ्यूचर तो मैं अभी दिख नहीं रहा, बट मैं इतना बता रहा हूं, अगर अपने पे काम करोगे, अपने आपको बड़ा बनाओगे, खूबसूरत बनाओगे, समझदार बनाओगे, सुंदर बनाओगे, इंटेलेक्चुअली कल्टीवेट करोगे, सब करोगे, तो एक बात बताओ चीजें अच्छी ही तो होंगी ना जिंदगी में आने वाले। दुकान पे जाते हो जिन चीजों की दिखते हो यूटिलिटी बढ़िया है, दिखने में अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव है, उनका प्राइस टैग भी बड़ा होता है ना, और जो चीज बहुत छोटी चाइनीज मेड होती है लौड़ा, जिसको पता भी 3 महीने में इसका चले ना चले, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कुछ नहीं है उनका, क्या उनको लोग उसके लिए लाइन पे लगा के खड़े होते हैं, तो अभी वो चाइनीज प्रोडक्ट हो बहुत छोटी के। रिलेशनशिप ये सब में इतना मरे पड़े लोग जैसे पता नहीं क्या उखाड़ लिए। अरे तुम पहले अपने आप को तो प्रूव करो कि तुम कुछ हो, तभी तो सामने वाले को प्रूव कर सकते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में कुछ होऊंगा, अपनी तो गारंटी लो पहले। तो भैया इसका सिंपल सलूशन है, जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी स्ट्रेसफुल चुदापों में फंसे हुए हैं, जितने लोग भी इसे कीचड़ में फंसे हुए हैं, जितने लोग भी जो अपनी मैं की गांड मार रहे हैं पता नहीं कितने टाइम से, अगर सामने वाला इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो भोसड़ी के भाग जाओ। तो सोल्यूशन इज कट इट ऑफ, ब्लॉक, आगे बढ़ो, ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, भाग जाओ, कटो, निकलो। सामने वाला अगर इंपॉर्टेंस नहीं देख रहा तो भाई वो आज नहीं दे रहा तो कल कभी नहीं देगा। एक चीज समझ लो, बहुत छोड़ेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाए, बॉयफ्रेंड भी बन जाए, तो मैं तो वो ऐसा नहीं 6 महीने बाद सडनली कहेगा दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड हूं मैं, तो ओह मैं तो तब तो मैं इसे भाव नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या सिचुएशन इक्वेशन में क्या उस टाइम पे प्रॉपर्टीज एलिमेंट से इसलिए नहीं दे रहा था, अब तो चीजें बदल गई हैं। लौड़ा व्यवहार व्यवहार ही रहेगा, उसने जिस तरह से तुम्हें देख रखा, जो उसने फॉर्मेशन कर रखी इंप्रेशन तुम्हारे बारे में, वो इंप्रेशन उसके दिमाग में रहने वाला है।
रिलेशनशिप में, और हो सकता है हरामी बन जाए तुम्हारे को लेके, क्योंकि तुम्हारी को जब रिलेशनशिप में नहीं रहता वो तुम्हारी इज्जत नहीं करे, रिलेशनशिप में हो गए तो हो सकता है कहेंगे उसका और फायदा उठा सकता हूं मैं, क्योंकि जब मैं इज्जत नहीं कर रहा था तब भी इंसान मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया तो मैं इसको इज्जत क्यों करूं। मैं अब सामने इंप्रेशन फॉर्मेशन में क्या इंप्रेशन फॉर्म करके बैठे हूं सब लोगों के सामने, जितना भी जिल्लत बेइज्जत कुछ भी कर लो मैं खड़ा हूं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अभी उसको तुमने दे दिया थाली में भोसड़ी कि तुम उसको ऐसे यूज कर सकते हो, क्यों चेंज करेगा वो, और जिसको नहीं करना होता वो कभी करता ही नहीं। और तुम ये बेसलाइन रखो कि मैं ऐसे किसी इंसान के साथ कभी जिंदगी में बात ही नहीं करना चाहता जो ऐसे ट्रीटमेंट मेरे को देना चाहेगा, क्योंकि मैं खुद की इज्जत करता हूं बे, लेकिन खुद पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इज्जत कहां से आएगी। तो पहले सबसे चीज क्या आती है, खुद पे पहले काम करना शुरू करो यार। इंसान लौड़ा लहसुन प्यार ये सब चीजें होती रहेंगी जिंदगी में, जब मिलेगा कोई हो जाएगा, पहले खुद इतना काबिल और समझदार और गबरू जवान बनो भोसड़ी के, कि अपने पे विश्वास तो हो कि मैं कुछ हूं, अपने को मन तो करे कि मेरे मुझे पता है मैं क्या हूं बहनचोद, ये नहीं कि मुझे कोई अपना लो। ये है रिलेशनशिप आज के समाज में, कोई तो गर्लफ्रेंड बन जाए प्लीज, मैं कुत्ता बनने को तैयार हूं, भाग तेरी बुआ का चोद है भोंसड़ी के, फिर कुत्ता ही बनोगे ना, और फिर लड़ाई लगेंगे तुम्हारे रिलेशनशिप में, और जिंदगी भर फिर लड़की को कंट्रोल करने में, उसको मैनिपुलेट करने में इसमें लगाओगे अपने सारा टाइम भोंसड़ी के, फिर रंडी रोना रोगे बहनचोद। लड़की ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं,